सभी लोग को मेरा नमस्कार। और आज मैं आप लोग के लिए एक नई वीडियो लेकर के आया हूँ। ऑफ कोर्स 25 दिसंबर आने वाला है, सो अच्छी बात यह है कि बहुत सारे लोग को लगता है कि हम क्रिसमस ट्रीज़ कैसे बनाएं, क्या सेफ्स होता है ट्रीज़ का, तो उन सब चीज़ के बारे में आप लोग को मैं एक्सप्लेन करूँगा। और जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप आपको समझाता भी जाऊँगा किस तरीके से मैंने कलर अप्लाई किए, सारी चीज़ें। सो अभी आप पेपर पर देख सकते हो कि मैंने ड्राइंग किस तरीके से की है। तो ड्राइंग में आपको दिख रहा होगा कि अपर साइड थोड़ा सा पॉइंटेड पार्ट था और नीचे नीचे आते थोड़ा सा हल्का सा ब्रॉडनेस बढ़ गई है। और बस मैं कौन कौन से कलर अप्लाई करूँगा वो तो मैं जब मैं स्टार्ट करूँगा तो मैं आपको लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा। आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगेगी। सो स्टार्टिंग से लेके एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और किसी कोई क्वेरीज या कुछ भी चीज़ होंगी तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हो। सो बात करते हैं क्रिसमस ट्री की। सो इसमें जो कलर्स हम अप्लाई करेंगे तो हम ग्रीन के ही शेड्स ले रहे हैं, लाइट एंड डार्क शेड। तो अब कैसे अप्लाई करेंगे, तो उसके लिए आप कोई भी राउंड ब्रश यूज़ कर सकते हो, या अगर आपके पास मॉप ब्रश है स्मॉल साइज़ का या 2 नंबर या 1 नंबर का, तो उससे भी आप अप्लाई कर सकते हो। मतलब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि एक स्पेसिफिक ब्रश। हाँ ये है कि थोड़ा सा राउंड ब्रश आप ट्राई कीजिएगा, चाहे वो आप कितने नंबर का ब्रश हो। एक अच्छी बात ये होती है कि डिपेंड ये करता है कि आप कितने बड़े पेपर पे काम कर रहे हो, तो उस हिसाब से हम ब्रश की चॉइस मतलब सेलेक्शन करते हैं। सो अभी जो मैंने ब्रश लिया, राउंड ब्रश लिया हुआ है और जो कि 6 नंबर का है, तो आपकी चॉइस है। और जैसे जैसे मैं बनाता जा रहा हूँ आप भी वैसे से ट्राई कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप। सो थोड़ा सा मैं लाइट ग्रीन यानी परमानेंट ग्रीन शेड लूँगा जो कि आपको मेरी पैलेट में दिख रहा होगा। सो पहले हल्का सा लाइट शेड लेंगे, डायरेक्टली कोई भी हम शेड अप्लाई नहीं करते हैं बिकॉज आपको उसमें एक डल वाला फील आएगा। तो हल्का थोड़ा ब्राइट शेड हम यूज़ करेंगे और खासकर वाटर कलर में हमेशा लाइट टू डार्क चलते हैं। सो अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि हम पैचेस किस तरीके से अप्लाई कर रहे हैं, ये बहुत मैटर करता है। तो अभी आप देख सकते हो मैं किस तरीके से पैचेस अप्लाई कर रहा हूँ ट्रीज़ में। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा लाइट या ज़्यादा डार्क करना है, वो तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे उस हिसाब से चीज़ों को हम बनाते जाएंगे। सो अभी जो इसमें बेल्स एंड जो बॉल्स वाला पार्ट है उसको हम चाहो तो हम ब्लैंक छोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर इसके बाद कलर अप्लाई कर दोगे अगर आप इसके ऊपर, तो एक्चुअली क्या होगा कि उसका जो प्रॉपर ब्राइट शेड है वो नहीं आ पाएगा, तो उसमें प्रॉब्लम होगी। सो आप इस तरीके से नॉर्मली कोई भी राउंड ब्रश लेकर के इस तरीके से आप काम कर सकते हो। सो कैसे करना है अभी आप देख सकते हो। इसके बाद थोड़ा सा मैं सैप ग्रीन अप्लाई करूंगा, और डार्क कलर के लिए कोई भी ग्रीन कलर को अगर आपको डार्क करना है तो उसमें ब्लैक यूज़ नहीं करते हैं, हमेशा ग्रीन यूज़ सॉरी ब्लू यूज़ करते हैं, जिससे उसके जो परमानेंट जो उसका एक इफेक्ट है वो बना रहता है। तो जो वाइड वाइड स्पेस उसको मैं छोड़ता जाऊँगा, जिसमें बाद में मैं कलर फिल कर सकूँ उस चीज़ में। और ये सब चीज़ें देखिए प्रैक्टिस पे डिपेंड होती हैं, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगी इस चीज़ में। सो अभी थोड़ा सा मैं डार्क यानी सैप ग्रीन शेड अलग से बना लेता हूँ, और थोड़ा मैं मॉर्निंग में वीडियो बना रहा हूँ तो विंटर्स आ चुकी हैं तो बोलने में दिक्कत होती है। सो अभी ये बट फिर भी मैं चाह रहा था कि चलो कोई नहीं, एटलीस्ट आप लोग के लिए एक वीडियो बनाऊँ जिससे कि आप लोग को थोड़ा देखने में अच्छा लगे कि हाँ कुछ काम की चीज़ आई है। सो अभी देखो मैंने वेट ऑन वेट ट्राई कर रहा हूँ, जो मैं टेक्निक अप्लाई कर रहा हूँ वेट ऑन वेट, यानी कि आपको इसमें अपना टाइम बचाकर आप वेट ऑन वेट थोड़ा डिफिकल्ट होता है बट है बहुत इंटरेस्टिंग। अगर आपको ये टेक्निक आ जाएगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई ऐसा भी ट्रीज आप एक बार में कंप्लीट कर सकते हो। सो अभी आप इफेक्ट देख सकते हो किस तरीके से, पहले लाइट शेड अप्लाई किया फिर हल्का सा मैंने सैप ग्रीन अप्लाई किया। और आपको मेरे YouTube चैनल पे काफ़ी सारी मेरी वीडियोस मिल जाएंगी डिफरेंट टाइप पेंटिंग्स की, तो उससे आप जा करके बहुत कुछ लर्न कर सकते हो। और अभी वैसे मेरे तो ऑनलाइन कोर्सेज चलते ही हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट जिन लोगों ने मेरे से ऑनलाइन कोर्स भी किया है तो वैसे भी वो लोग काम कर रहे हैं ऑलरेडी, वो अच्छा काम कर रहे हैं। सो ये है कि वाटर कलर वही है कि आपकी प्रैक्टिस पे भी डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा हमारे काम में इम्प्रूवमेंट आएगी। मैं साथ साथ कंप्लीट करते हुए चल रहा हूँ जिससे कि आपको एक फील आ सके उस चीज़ का। अब जहाँ जहाँ डेप्थ क्रिएट करनी है आपको, वहाँ वहाँ पे थोड़ा सा आप डार्क कलर्स तरीके से अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारे लोग को देखा है कि वो ड्राई होने का वेट करते हैं फिर उसके बाद कलर अप्लाई करना है। मैं बस ये बोलूँगा, मैं ये नहीं कहता कि वो टेक्निक सही नहीं है, वो भी ठीक है अपने हिसाब से, बट हमें टाइम आज के टाइम पे हमारे लिए इम्पोर्टेंट टाइम ज़्यादा है, सो हमें टाइम के हिसाब से काम। अब देखो मैं पैचेस किस तरीके से अप्लाई कर रहा हूँ आपको दिख ही रहा होगा, चीज़ों को बस बनाते चल रहा हूँ, जो स्पेस मुझे ब्लैंक छोड़ना है
वो मैं ब्रश के थ्रू। अब जैसे कि अगर आपको वाइड स्पेस छोड़ना है तो आप मास्किंग फ्लूड का भी यूज़ कर सकते हो। सो बट मैं चाहता हूँ कि मास्किंग फ्लूड को हटा के आप, अच्छी बात होगी कि आप खुद ब्रश के थ्रू स्पेस छोड़ो, जिससे कि आपका एक कॉन्फिडेंट डेवलप हो और इस तरीके से काम करने का एक आपको समझ में आएगी हमें किस तरीके से वर्क करना है। सो अभी आप देख सकते हो अलग अलग वे में, अभी थोड़ा मैंने स्मॉल ब्रश लिया है तो स्मॉल एरिया कवर कर रहा है। अभी जैसे मेरे साइड में कुछ दिख रहा होगा, मैंने मॉप ब्रश रखा हुआ है, तो ये है कि आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। बट कोई नहीं, ऐसी कोई जल्दी नहीं है या मेरे को कहीं भागना नहीं है। सो ये है कि मैं आपको एक्सप्लेन करते चल रहा हूँ चीज़ों को। और एक अच्छी बात यह है कि विंटर्स का वेदर है तो पेपर देर में ड्राई होता है, यानी कि आप वेट ऑन वेट देर तक काम कर सकते हो, तो ये एक फ़ायदे वाली बात है। सो अभी जैसे जो मैं पेपर यूज़ कर रहा हूँ, ये चित्रपट पेपर है, काफ़ी अच्छा टेक्सचर है, रफ फिनिश पेपर है ये, तो काफ़ी अच्छा टेक्सचर है। अगर आपने कभी ट्राई किया हो जो, या जो लोग नए हो इस फील्ड में मीन्स वाटर कलर में, तो आप ये पेपर ट्राई करके देख सकते हो, कितने का अच्छा फील आ रहा है ना। देखो स्टेप बाय स्टेप मैं करते चल रहा हूँ। अभी जैसे मेरे को लगता है कि थोड़ा डार्क शेड में अप्लाई कर दूँ, तो मैं क्या करूँगा, सैप ग्रीन एंड उसमें हल्का सा अल्ट्रा मरीन ब्लू मिक्स करूँगा। अगर आपके पास अल्ट्रा मरीन ब्लू नहीं है तो आप उसकी जगह पर आप चाहो तो कोबाल्ट ब्लू भी यूज़ कर सकते हो। अगर कोबाल्ट ब्लू भी नहीं है तो आप पर्शियन ब्लू यूज़ कर सकते हो। ब्लू का मीन्स आप कोई भी शेड अप्लाई कर सकते हो अगर आपको डार्क बनाना है, बस कुछ नहीं बीच बीच में आपको इस तरीके से अप्लाई कर देना है। ऐसा भी नहीं कि डार्क कलर बना लिया तो आपने पूरे, ऐसा कुछ नहीं, बस बीच बीच में कहीं कहीं पे थोड़ा डेप्थ क्रिएट करने के लिए। जब तक किसी ऑब्जेक्ट में लाइट मिडिल एंड डार्क शेड नहीं होगा तब तक उसमें वॉल्यूम क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान देने वाली होती हैं, क्योंकि हम वाटर कलर सभी करते हैं लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं, अगर आपको अपनी पेंटिंग थोड़ा सा क्रिएटिविटी, थोड़ा डेप्थ एंड ऑल सारी चीज़ आपको दिखानी है तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना होगा। और मेरे YouTube चैनल में और काफ़ी सारी वीडियोस हैं, जैसे कि नेचुरल ट्रीज हैं जो डिफरेंट टाइप के, उसकी वीडियोस पड़ी हुई है, अगर आपको देखना आप देख सकते हो। या आपकी च्वाइस है आप किस तरीके से पेंटिंग कर रहे हो, क्योंकि वाटर कलर पेंटिंग में काफ़ी सारे लोगों को इंटरेस्ट होता है, क्योंकि ये एक ऐसा मीडियम है थोड़ा डिफिकल्ट, लेकिन ये अगर एक बार आ जाएगा तो चीज़ें हमारे लिए ईजी हो जाएंगी। मीन्स हम जल्दी से किसी भी पेंटिंग कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि वाटर कलर पेंटिंग में मिस्टेक्स नाम की कोई गुंजाइश नहीं होती है। आप चाहो ऑयल या एक्रेलिक में एक बार कोई गलती करके आप सुधार तो सकते हो, बट वाटर कलर पेंटिंग में थोड़ा मुश्किल काम होता है। इसीलिए जो ये मीडियम है इसमें हम लाइट टू डार्क चलते हैं, क्योंकि अगर आपने कोई चीज़ डार्क कर दी तो उसमें लाइट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है ना। सो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी ध्यान देनी होगी। सो इसीलिए मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ कि आपको कैसे कैसे क्या क्या ध्यान रखना है। और जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ये बहुत सारे लोग के लिए हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि बहुत सारे स्कूलों में प्रोजेक्ट दिया जाता है कि हमें क्रिसमस ट्री बना के भेजो, या हम यूट्यूब में वीडियो सर्च करते हैं, तो आपको फ़ायदा ये होगा कि अगर आपको वाटर कलर में काम करना है तो आपके लिए इससे बेस्ट वीडियो कोई नहीं हो सकती। मतलब नेट में तो बहुत सारी वीडियोज़ दे रखी होंगी, वो आपने कंफर्टेबल लेवल के हिसाब से आप देख सकते हो कि आपके हिसाब से बेस्ट क्या है। अगर थोड़ा सा आपको रियलिस्टिक काम करना है तो जैसे मैं बना रहा हूँ आप इस तरीके से काम कर सकते हो, या थोड़ा सा बच्चों वाला अगर आपको काम करना है तो उसके लिए अलग अलग बहुत सारी वीडियोज़ हैं। बट एक्चुअली क्या है कि जब एक आर्टिस्ट का एक हाथ जिस चीज़ में सेट हो जाता है, जैसे मेरा थोड़ा सा रियलिस्टिक में हल्का सा है तो मैं उस तरीके से ही काम करता हूँ, और जानबूझ के थोड़ा सा बच्चों वाली वीडियो मेरे से नहीं बन पाती, जो एक रियलिटी है। बट फिर भी जिसको अच्छी लगे तो आप ट्राई करके देख सकते हो, क्योंकि सबका अपना अपना इंटरेस्ट भी होता है, ऐसा भी नहीं है कि सबका एक ही इंटरेस्ट हो। क्योंकि सोशल साइट्स में हम देखते हैं किसी को कोई वीडियो अच्छी लगती है किसी को नहीं अच्छी लगती, सबका अपना अपना इंटरेस्ट है। अगर इस चीज़ को हम अपने से भी लेके देखें तो अपना भी एक वही है ना, सबका अपना सबका सेम इंटरेस्ट होगा, फिर हम किस चीज़ में जज कर पाएंगे कि क्या अच्छा है क्या खराब है, तो ये भी मैटर करता है ना। तो अभी आप देख सकते हो किस तरीके कलर मैं कैसे अप्लाई कर रहा हूँ, ये आपको आप देख सकते हो मेरी वीडियो से कि मैं कितने तसल्ली से आराम से चीज़ों को बना रहा हूँ, जल्दबाजी नहीं करने किसी चीज़ में। ऐसा नहीं कि आपकी कोई ट्रेन भागी जा रही है, आप बहुत ही आराम आराम से काम करो ना, क्या दिक्कत है, क्योंकि जल्दी जल्दी में ऐसा ना हो कि कोई काम खराब कर दें। तो ये भी बहुत मैटर करता है कि आपको बहुत ध्यान से जिस चीज़ में पेशेंस होगा उसमें आपकी क्रिएटिविटी और आपका जो रियलिस्टिक पार्ट है पेंटिंग का वो जरूर दिखेगा। जल्दबाजी करने से क्या होगा, आप काम तो कंप्लीट कर लोगे लेकिन जो उसका ओरिजिनल पार्ट है वो नहीं निकल के आएगा, तो इन सब चीज़ों का ध्यान देना होता है। सो अभी आप देख सकते हो मैंने क्या किया, कुछ नहीं, बस नॉर्मल सा
जो मैंने, और मुश्किल से 2 या 3 शेड में काम कर रहा हूँ, परमानेंट ग्रीन, सैप ग्रीन एंड अल्ट्रा मरीन ब्लू। और मैंने उसका आपको उसी से रिलेटेड सिमिलर शेड ही बता दिया। अगर आपके पास कोई ब्लू नहीं है तो आप सेकेंड ऑप्शन या उसका थर्ड ऑप्शन कोई भी आप यूज कर सकते हो कैसे भी, तो वो सारी चीजें हैं। तो मैं किसी एक कलर पर डिपेंडेंट नहीं हूँ अभी। देखो मैं आपके हिसाब से बना रहा हूँ, मैं चाहूँ तो किसी और कलर से भी अपना क्रिएटिव पार्ट डेवलप कर सकता हूँ, बट कोई नहीं, मुझे आपके हिसाब से काम करना है। तो इसलिए मैं उन्हीं सिमिलर शेड में जो आपको मालूम है उन्हीं में काम कर रहा हूँ। तो ये चीज़ है, तो बस यही है कि आप अच्छे से काम करो। कोई दिक्कत होती है आप मेरा व्हाट्सएप नंबर लिख सकते हो 9559480989, क्योंकि अभी मेरी ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं जिसमें बहुत डिफरेंट टाइप की चीज़ें एक्सप्लेन भी करता हूँ, मतलब पढ़ाता हूँ, तो उसमें डिफरेंट टाइप के टॉपिक्स आपको सीखने को मिलेंगे। तो अगर प्रॉपर अगर आपको वाटर कलर का कोई कोर्स ज्वाइन करना है तो आप वो भी कर सकते हो। और मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो किसी को कोई मेरा कोर्स ज्वाइन करना हो, क्योंकि अभी मेरा जो न्यू बैच स्टार्ट होगा जनवरी से स्टार्ट होगा, कमिंग जनवरी से, जनवरी के फर्स्ट वीक में। और अभी इस ट्रीज में आप देख सकते हो मैं किस तरीके से इसके एजेस में कैसे लीव्स बना रहा हूँ, कितने स्मॉल स्मॉल कुछ लीव्स जॉइंट्स हैं, कुछ अलग अलग शेप में है, कितना एक स्मॉल आपको एक दिख रहा होगा, एक फील खुद ही दिख रहा होगा। और देखो जैसे मैंने ये वाइट एरिया छोड़ा तो किस तरीके से, तो यही सब चीज़ें होती हैं जो आपको समझ में आएंगी बाद में कि किस तरीके से हमें काम करना है। और आप खुद एक सॉफ्टनेस आपको दिख रही होगी पेंटिंग में, आप इस ट्रीज में आपको एक सॉफ्टनेस दिख रही होगी। देखो अब इसके एजेस आपको थोड़ा सा निकालने या कुछ तरीके अपना एक फील लेना है, तो आप कैसे भी हल्का सा पैचेस इस वे में अप्लाई कर सकते हो। और मैं चाहता था इसलिए वीडियो बनाना, काफी टाइम सोच रहा था, बस एक्चुअली कुछ बिजी शेड्यूल था मेरा, तो आज टाइम मिल पाया वीडियो बनाने का, तो बट कोई नहीं, क्योंकि टाइम तो निकालना ही पड़ता है, टाइम तो किसी के पास नहीं होता है। तो ये है कि अच्छी बात है कि आप लोग इससे कुछ सीखोगे, और अगर आपको ये टेक्निक आ गई तो आपके लिए कोई ट्री ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं होगा, कोई भी ट्री आसानी से बना सकते हो। लोग बोलते हैं कि पाइन ट्री बनाना या नेचुरल ट्रीज जो होते हैं या डिफरेंट टाइप के पाम ट्रीज हो गए, सब ट्रीज की टेक्निक्स सेम होती है, मैं तो ये बोलता हूँ। क्योंकि अगर आपको एक बार वाटर कलर में काम करना आ गया तो वर्ल्ड की ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आप ना कर पाओ, क्योंकि हमें मेन होता है कि जो हम लोग के अंदर जो डर बैठा है वाटर कलर से रिलेटेड, क्योंकि रेगुलर प्रैक्टिस से ही आपका वो डर दूर होगा, तो इसलिए मैंने वो चीज़ आपको बताई। तो काम तो देखो करना ही पड़ेगा, यह है कि टाइम मांगती हर चीज़, प्रैक्टिस चाहिए, बस आप मेहनत करो, जरूर आप उस चीज़ सक्सेसफुल हो जाओगे। तो अभी देखो मैंने एक ट्रीज का एक शेप बना दिया है, और अगर मैं इसकी थोड़ी सी जो ट्रंक्स या जो इसके स्टैंड वाला पार्ट है बना, तो आप कोई भी डार्क कलर लेके आप इजीली बना सकते हो नॉर्मली कैसे भी। बस ये तो मेन इम्पोर्टेंट ना नहीं, मेन इम्पोर्टेंट तो ये पार्ट जो मैंने अभी आपको बना के दिखाया है, और जो इसकी बॉल्स हैं हल्का सा आप चाहो तो रेड कलर में हो गया, या आप क्या कहते हैं कि येलोइश शेड में भी कर सकते हो, वो आपकी च्वाइस है। सो अभी चाहूँ तो मैं हल्का सा रेड ले रहा हूँ, बिकॉज ऑफ क्योंकि थोड़ा सा अट्रैक्ट करेगा वो, और रेड में भी थोड़ा सा मैं हल्का सा, आप डायरेक्टली ओपेक कलर भी अप्लाई कर सकते हो, आप डायरेक्टली ओपेक शेड भी अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओपेक मींस ये नहीं कि डायरेक्टली एकदम ही बहुत ज़्यादा थिक पैच, उससे थोड़ा सा रिलेटेड, देखो हल्का सा कुछ हल्का सा मैं येलो भी दिखाऊंगा। और एक थोड़ा सा एक चीज़ ये भी ध्यान रखनी होती है कॉम्पोजिशन के हिसाब से, अब ऐसा नहीं कि मैं एक ही साइड के सारे रेड कर दूंगा, थोड़ा सा इसे एक बीच में येलोइश कर दूंगा, थोड़ा सा गैपिंग बना मेंटेन करके चलेंगे तो चीज़ें अच्छी लगेंगी देखने में, ठीक है। ये सब बातें होती जो आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेंगी खासकर पेंटिंग से रिलेटेड, क्योंकि जब कोई आप आर्ट कोर्स करते हो तो आपको सिर्फ अच्छा काम करना नहीं आना चाहिए, आपको चीज़ों को कैसे बैलेंस करना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वैसे तो मैंने मेरे को इस फील्ड में 10 to 11 ईयर्स हो गए इस आर्ट फील्ड में, क्योंकि मैंने बैचलर ऑफ फाइन आर्ट कोर्स किया, फिर क्या कहते हैं मैंने मास्टर्स किया, तो क्या होता है चीज़ें अपने आप धीरे धीरे आ ही जाती हैं। सो वही है कि हम एक साल के कोर्स में हर चीज़ को नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा जितना हम टाइम एक्सपेंड कर जितना हम टाइम देंगे जिस फील्ड में उतनी चीज़ें हमारी इंप्रूव होंगी। अब देखो हल्का सा मैंने येलो कलर ले लिया थोड़ा बैलेंस करने के लिए, आप देख सकते हो। तो हर चीज़ का अपना एक अलग फील है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरे को बहुत सारी चीज़ें ऐड करनी है, बट फिर भी इतने सही आप समझ सकते हो कि हाँ अब वो आपकी च्वाइस है। मैंने आपको एक टेक्निक बता दी कि हाँ इस तरीके से काम होगा, अब ये आपका पार्ट आपका मतलब कि काम है, आपको उसको कैसे बैलेंस करना है।
और क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है, या इसमें आपको बेल्स लगानी है, आप कुछ भी आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सो इतने पार्ट्स आपको इतना समझ में आ ही गया होगा कि हमें कैसे काम करना है। और किसी का कोई भी क्वेश्चन हो आप इजीली मेरे से पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप आराम से कमेंट बॉक्स में जाके मेरे से कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। बाकी मैंने व्हाट्सएप नंबर भी आपको दे दिया है, तो आप कोई दिक्कत होती है आप उसमें भी जाके मेरे से क्वेश्चन कर सकते हो। बस ये कि मैं तो बस ये बोलूँगा जितना आपने सीखा है, चाहे भले ही मैंने आप मेरे काम का 50% ट्राई करो, बट करो, मैं तो ये बोलूँ अगर आपने वीडियो देख रहे हो तो आप बिल्कुल ट्राई करो, एटलीस्ट समझ में तो आएगा। बात क्रिसमस ट्री की नहीं है, बात यह है कि आप कोई भी ट्री आप बना सकते हो, जो मैंने आपको भी टेक्निक बताई है इसकी हेल्प से। सो अभी आप देख सकते हो किस तरीके से मैंने काम किया है। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और चाहूँ तो मैं कितनी भी बॉल्स में ऐड कर सकता हूँ या बेल्स लगा सकता हूँ, बट फिर भी वही है कि स्टार्ट तो करना ही पड़ेगा। इतने से ही आपको एक आइडिया हो गया कि अब आपको काम कैसे करना है, ठीक है। इतने से ही आपको एक आइडिया हो गया कि आपको काम कैसे करना है। सो इसमें आप थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, एंड देखिएगा किस तरीके में वर्क करना है, ठीक है। हल्का मेरे को लग रहा है कि थोड़ा सा मैं रेड कलर और ऐड कर दूँ, जिससे थोड़ा सा अट्रैक्ट लगे वो चीज़। अब देखो वही है ना कि ये आपकी च्वाइस है, आपको लगता है कि यहाँ ऐड कर देने से वो चीज़ और अच्छी लगेगी, तो आप बिल्कुल करो। तो यही होता है एक आर्टिस्टिक सेंस की, जो एक्चुअल है उससे अच्छा आप क्या क्रिएट कर सकते हो, जो एक्चुअल चीज़ें दिख रही हैं उससे अच्छा आप क्या क्रिएट कर सकते हो। तो ये एक आर्टिस्ट की क्वालिटी होती है, तो जो है उस पर डिपेंडेंट नहीं रहना है, हमें उससे और अच्छा क्या करना है ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है मेरे लिए। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और इसमें आप लोग वर्क कीजिएगा, फिर मेरे को भेजिएगा, फिर कोई दिक्कत होती है मैं बिल्कुल बताऊंगा। सो ये है कि जैसा भी वीडियो लगे आप कमेंट जाके जैसा भी हो कमेंट कीजिएगा, एंड थैंक यू सो मच सभी लोग को पूरी वीडियो देखने के लिए, एंड अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा। और आपकी फैमिली में बहुत सारे कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जिनको इस टाइम पे ये कुछ स्कूल से प्रोजेक्ट मिलता भी है काम करने के लिए, तो आप उनको भी शेयर कर सकते हो। सो बहुत बहुत थैंक यू, एंड फिर मिलते हैं अगली बार किसी नई वीडियो के साथ, एंड ओके फिर बाय बाय, थैंक यू सो मच, बाय।